हेलो एवरीवन, आज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कुछ यूनिक कॉम्बिनेशन का। क्या है यूनिक कॉम्बिनेशन? सपोज इस तरीके का कुछ सर्किट गिवन है जिसमें 1 ओम 2 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड है, और इसमें ये जो सेट है रिपीट होते 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 टोटल इन्फाइनाइट सेट्स प्रेजेंट है। अगर इन्फाइनाइट इस तरीके से प्रेजेंट होंगे तो इसे किस तरीके से आर इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना हो इस ए और बी के अक्रॉस तो कैसे निकाल सकते? जब भी हमें कुछ इन्फिनाइट तक दिया हो रेजिस्टेंस, ठीक है, तो उसमें हमें देखना है कि क्या इसमें कुछ रिपीट भी हो रहा है या फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो इसमें अगर देखें तो ये 1 ओम 2 ओम रेजिस्टेंस, ये कॉम्बिनेशन बार बार रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। अब ये रिपीट हो रहा है यानी कि ये 1 ओम 2 ओम का कॉम्बिनेशन टोटल कितने टाइम्स है? ये है इन्फिनाइट टाइम्स। अब इस इन्फिनाइट में किसी वन पार्ट को निकाल भी ले तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अब हमें इस ए और बी के क्रॉस क्या कैलकुलेट करना है? इसके क्रॉस कैलकुलेट करना है हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो हमने मान लिया कि इस पूरे सेट का ये जो जितने भी रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है आर इक्विवेलेंट। क्या हमने मान लिया? टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा वो हमने मान लिया, कितना? आर इक्विवेलेंट, ठीक है। यानी कि पूरा इन्फिनाइट ये जो सेट है ये है आर इक्विवेलेंट। तो फिर इसमें अगर किसी एक पार्ट को हटा भी दे तो भी तो यहाँ से यहाँ तक इन्फिनाइट ही होगा। इन्फिनाइट में एक रिप्लेस भी कर दे, रिमूव भी कर दे तो भी वो कितना होगा? इन्फिनाइट ही होगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर इस पूरे इन्फिनाइट तक का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट ही होगा। तो अब इसका अगर नया स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ये पॉइंट और इस पॉइंट, इन दोनों के बीच, इन दोनों पॉइंट के बीच जो पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था उसे हमने बोल दिया आर इक्विवेलेंट। तो हमने यहाँ से यहाँ तक के सेट को आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया। ये कितना है? ये 1 ओम ही है और यहाँ पर 2 ओम। ये है ए और ये है बी। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? इसके क्रॉस रेजिस्टेंस यानी कि इस आर इक्विवेलेंट का वैल्यू। अब आर इक्विवेलेंट यहाँ पर कैलकुलेट अगर करें तो क्या होगा, किस तरीके से? इस पूरे सेट का तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस पूरे सेट का मतलब ये पूरा सेट जितना रेजिस्टेंस है, और ये किसके इक्वल होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ही इक्वल हो जाएगा। यानी कि लिख सकते हैं हम लोग, सबसे पहले इन दोनों सेट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इन दोनों का अगर कैलकुलेट करें तो 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इससे कैलकुलेट करें तो 1/R इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट प्लस 2/2 आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा? ये उल्टा हो जाएगा, यह इस दोनों के बीच का रेजिस्टेंस। तो हमने पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया जो कि इसका अपोजिट है, और ये फिर इसके साथ सीरीज में प्रेजेंट होगा। ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये है 1 ओम और इसके अक्रॉस होगा 2 आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट प्लस 2, और ये इसके साथ सीरीज में है और जाके टोटल हो जाता है आर इक्विवेलेंट। यानी कि यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आ जाएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 + 2 आर इक्विवेलेंट बाय 2 + आर इक्विवेलेंट। अब इसे अगर कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 + आर इक्विवेलेंट प्लस 2 आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 2 + आर इक्विवेलेंट। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2 आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 3 आर इक्विवेलेंट। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर ये आ जाएगा आर इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस आर इक्विवेलेंट -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी को लिखा जा सकता है आर इक्विवेलेंट स्क्वायर -2 आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट
माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट हमने कैलकुलेट किया कितना, आर इक्विवेलेंट माइनस टू प्लस आर इक्विवेलेंट माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब इसे फैक्टराइज किया तो इससे आता है आर इक्विवेलेंट का वैल्यू एक तो टू और दूसरा आता है माइनस वन। ये माइनस वन रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ से आ गया आर इक्विवेलेंट टू। यानी कि इस पूरे सेटअप में जो आर इक्विवेलेंट है इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा 2 ओम आंसर। क्या ये क्लियर है सभी को? थैंक यू।